हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है, यानी भारत में प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। उससे पहले जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का पद कैसा होता है। भारत में एक संसदीय व्यवस्था है, यानी भारत में क्या एक संसदीय व्यवस्था है जो क्या वो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन में जिस प्रकार राजा होता है, यानी जो राजा क्या होता है वह राज का प्रमुख होता है, उसी प्रकार भारत में राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का प्रमुख है। यानी बोल सकते हैं ब्रिटेन का राजा और भारत के राष्ट्रपति दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों बस नाम मात्र का प्रमुख होता है और सारा जो पावर होता है वह होता है प्रधानमंत्री के पास। यानी राष्ट्रपति क्या एक संवैधानिक पद होता है जो क्या होता है, जो सभी सभी चीजों का वो प्रमुख है, लेकिन उसका जो शक्ति होता है उस शक्ति को प्रयोग करता है भारत का प्रधानमंत्री। यानी जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनल हेड हुआ और सारा जो पावर हुआ वह प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होता है। तो देखते हैं कि हमारा ये टॉपिक इसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, मतलब भारत में अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन होता है कि वह भारत का नागरिक होना है। ऐसा नहीं कि कोई भी अमेरिकन व्यक्ति या ब्रिटेन का पर्सन या किसी भी कंट्री का पर्सन भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं। अगर राष्ट्रपति जो होगा वह भारत का नागरिक होगा, यानी अगर वह सिटीजनशिप नहीं हुआ भारत का तो उसको क्या होगा, उसको भारत का राष्ट्रपति बनने नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यानी भारत में राष्ट्रपति क्या एक बहुत बड़ा पद होता है, भारत में पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो कम से कम क्या उसका जो एज 35 तो होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, यानी ये आपका 35 प्लस हो सकता है लेकिन 35 से नीचे नहीं हो सकता। यानी कम से कम एक जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है उसका एज कितना होना चाहिए, 35 साल वह पूर्ण कर चुका होगा। थर्ड का बोलता है, लोकसभा सदस्य बनने का योग्यता रखता होगा। भारत में जो संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो जो लोकसभा है राज्यसभा क्या, एक तरफ लोकसभा जो हो गया यह लोअर हाउस हो गया और राज्यसभा अपर हाउस हो गया। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा हो गया, एक अपर हो गया, एक लोअर हाउस हो गया, तो मतलब जिस प्रकार की एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होता है तो वह राष्ट्रपति क्या करे उस योग्यता को वह पूर्ण करेगा। अगर वह लोकसभा सदस्य बनने का योग्यता पूर्ण नहीं करता है तो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उसके बाद क्या है बोल रहा है, लाभ के पद पर ना हो। यानी लाभ के पद पे क्या होता है, यानी वह केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद पे नहीं हो, यानी कोई भी मतलब मानते कि वह पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मतलब उससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कोई भी पद में उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन नोट क्या बोला गया कि वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ अथवा राज का मंत्री लाभ के पद नहीं होंगे। यानी कहता है कि जो लाभ का पद होता है, ठीक है, उसमें जो प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जो गवर्नर होता है और जो स्टेट का मंत्री होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब लाभ के पद नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि चुनाव नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी जब हम राष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेंगे उस समय मेरा क्या होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, तभी हम राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फाइल को भर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब हम नॉमिनेशन करेंगे, ठीक है, उस समय क्या हमको 15,000 का करना पड़ेगा, जमानत राशि जमा करना पड़ेगा। यानी जो आरबीआई का जो गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि कोई भी जब राष्ट्रपति बनता है, बनने के लिए जब वो नॉमिनेशन फाइल फॉर्म फिल करता है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 15,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर चुनाव के बाद, ठीक है, जब चुनाव हुआ और वह कम से कम अगर जितना भी वोट पड़ा है उसमें 1/6 मत नहीं ला रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। कहने का अर्थ होता है कि अगर हम राष्ट्रपति का नॉमिनेशन कर दिए, ठीक है, और हम 15,000 भी जमा कर दिए हैं, तो जब चुनाव हुआ, ठीक है, जब मतलब वोटिंग हुआ, तो वोटिंग के समय अगर हमको जितना भी वोट पड़ा, ठीक है, मानते हैं कि 100 ही वोट पड़ा, ठीक है,
तो 100 वोट में अगर 1/6 वोट हमको नहीं मिला तो मतलब हमारा 15 क्या हो जाएगा, वह डूब जाएगा, मतलब हमारा जमान रसी भी जब्त हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है, तो हम समझ गए कि मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है, यानी भारत में जो राष्ट्रपति है ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद होता है, यानी भारत में जितना भी जो काम होता है वह राष्ट्रपति के नाम पे होता है, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।